हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। कैसे हैं सभी? मैं अच्छी हूँ और आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और आज की वीडियो में मैं थोड़ी सी अपनी दिनचर्या और दो तीन किचन की टिप्स और एक बैल बाजू की कटिंग बताऊंगी। बाजू की रिक्वेस्ट है किसी की, तो मैं पेपर पे कटिंग करके दिखाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर अगर नए आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट करें। कमेंट करके बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगती हैं। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है मुझे और आपके कमेंट्स पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। जब आप कमेंट्स में तारीफ करते हैं या कुछ भी बताते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आप लोग एंजॉय कीजिए और बताइएगा। तो चलिए सबसे पहले थोड़ा सा योगा कर लेती हूँ कमर दर्द के लिए। और आप सभी को मैं एक बात बता देती हूँ कि मैं योगा की कोई ट्रेनिंग नहीं दे रही हूँ। अगर आप लोगों को योगा की ट्रेनिंग लेनी है तो बहुत से यूट्यूब पर बहुत वीडियोज़ हैं, आप देख सकते हैं। तो मैं ये अपने रिलैक्स के लिए कर लेती हूँ और थोड़ा आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। तो ये कुछ आसन हैं, इनसे बैक में काफ़ी रिलीफ मिलता है और अगर कंटिन्यू किया जाए तो वेट भी कम होता है, पेट भी कम होता है। लेकिन मैं भी कहाँ कंटिन्यू करती हूँ, तो मेरे पास वेट भी बहुत है और पेट भी। तो अगर कोई इसको कंटिन्यू करे तो काफ़ी रिलैक्स मिलेगा, बैक पेन में भी और मोटापा भी इससे कम होता है, वेट कम होता है। लेकिन करने से होता है, मैं भी रेगुलर नहीं करती हूँ लेकिन हाँ कर लेती हूँ, ज़्यादा नहीं तो कम, जिससे कि कमर में थोड़ा दर्द कम होता है। तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ एक दो। अगर आप लोगों को अच्छा ना लगे तो बता सकते हैं, तो मैं ना दिखाऊंगी ये। और ये कंबल को ऐसे बिछा देती हूँ, अब भारी कंबल निकल गया है तो इसको बेड पे ही रखती हूँ, दिन में भी लेटना हो लेट जाते हैं। तो चलिए इसके बाद थोड़ा सा किचन की चीज़ें दिखाती हूँ, छोटी छोटी दो तीन। ये धनिया है, साबुत धनिया लाती हूँ मैं और इसको घर पे ही पीस के और एक डब्बे में भर के रख लेती हूँ, सील पैक डब्बे में। पाउडर लाते हैं, उससे ये ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, इसकी खुशबू भी अच्छी होती है और इसका पाउडर भी अपने हिसाब से मोटा या महीन जैसे बनाना चाहें बना सकते हैं। इसको मैंने रख दिया। और इसके बाद ये देखिए इलायची हैं, तो ये इलायची लाई थी जो ज़्यादा हैं, तो ये मेरे पास एक जैम का की बोतल खाली थी, इसमें डाल के फॉयल लगा के रख दिया है। और ये कुछ मैंने पाउडर बना लिया है इलायची का और इसको भी डिब्बे में भर के रख लूँगी। ये जब चाय बनाए या दूध में भी, मेरी बहू दूध में इलायची थोड़ा मिला के पीती है, उसको नहीं तो दूध अच्छा नहीं लगता है। तो इसको पीस के और डब्बे में भर के रख लेती हूँ, एक चुटकी चाय में या दूध में जब भी डालना हो तो इसका टेस्ट भी अच्छा हो जाता है और वैसे भी अच्छा रहता है। इसके बाद मेथी दाना है, इसको कढ़ाई में डाल के थोड़ा सा भून लेना चाहिए, हल्का हल्का, ज़्यादा नहीं इसको भूनना है। जब हल्के हल्के ब्राउन कलर की हो जाए मेथी, तो इसको अभी गैस से उतार लिया मैंने। उसमें दो तीन चम्मच नमक, नमक आप कोई भी मिला सकते हैं, सेंधा नमक या खाने वाला नमक, लेकिन मैं काला नमक मिलाती हूँ, ये ज़्यादा अच्छा रहता है। तो इसमें काला नमक मिला के और इसको भी डब्बे में भर के रख लेते हैं। कभी कभी अगर आपको लगे कि थोड़ी गैस लग रही है पेट में या कुछ खाने में थोड़ा हैवी खा लिया जाए, तो उसके लिए ये आधा चम्मच मेथी और गर्म पानी इसके साथ ले ले तो पेट बहुत अच्छा रहता है इससे। और बादाम की गिरी तो तकरीबन सभी बच्चों के लिए भिगो के रखते हैं, और अगर इसको हम मिट्टी के बर्तन में भिगोएं तो ये ज़्यादा अच्छी रहती हैं। तो मैं ये छोटा सा मटका टाइप, हमारी भाषा में भोलवा इसको बोलते हैं, तो इसमें भिगो देती हूँ। ये बैल बाजू के लिए पहले ये हमने सिंपल बाजू काट ली है। सिंपल बाजू की वीडियो मैंने पहले डाली हुई है, उसका लिंक मैं दे दूंगी आपको। और अगर फिर भी आपको दोबारा सिंपल बाजू की कटिंग सीखनी है, दोबारा मेरे को वीडियो डालनी है, तो आप
कमेंट बॉक्स में लिखना तो मैं दोबारा डाल दूंगी। तो ये सिंपल बाजू हमने काट ली है, इसके आगे हम बेल के लिए अभी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम ये मोरी नाप लेंगे, जितनी हमारी ये चौड़ाई है बाजू की, ये हमारी 4.5 मतलब 9 इंच है हमारी ये, तो 9 इंच मोरी है। और बेल जितनी लंबी हमको चाहिए, या तो कपड़ा अगर हमारे पास खुला है तो जितनी लंबी चाहिए उतना ले लो, या फिर जितना कपड़ा बचा हुआ है उस हिसाब से। अब मान लो मैंने, मेरे पास यही कपड़ा बचा हुआ है, ये 11 इंच का कपड़ा मेरे पास लंबाई में बचा हुआ है, तो इधर से भी 11 इंच लेंगे। चौकोर कपड़ा हमको चाहिए 2 तह में बेल काटने के लिए, तो ये मैंने 11x11 का कपड़ा ले लिया है। ये 11x11 का कपड़ा मान लो हमारे पास बचा हुआ है, तो इसी में हम बेल काटेंगे जितनी भी बनेगी। ये 11x11 का कपड़ा हमने 2 तह में लिया है, ये देखिए। अभी इसको हम 4 बार फोल्ड करेंगे, एक बार ये ऐसे मोड़ लिया और एक बार ऐसे, और इसमें हमारी दोनों बाजू की बेल बन जाएंगी। अभी इसके बेल की कैसे गोलाई करनी है, हमने हमारे बाजू की मोरी है 9 इंच, तो हाफ में 4.5 है। अब 9 इंच का चौथा भाग हमको निकालना है, तो हाफ में 4.5 है तो इसका भी आधा करना है 2.25 इंच। या तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, या फिर हम पूरा इंच टेप को 4 फोल्ड करके कर लेते हैं अगर कोई डाउट हो तो। जैसे 9 इंच मोरी है तो ये देखिए मैंने 9 तक इसको मोड़ लिया है, और इसको एक बार फोल्ड करेंगे और इंच टेप को ऐसे, तो ये आ जाएगा हमारा 2.25 इंच, ये देखिए। तो अभी ये 2.25 इंच ये जो हमको बंद भाग में लेना, देखिए इधर से भी पूरा बंद है ये और इधर से भी बंद है, तो बंद भाग में हम 2.25 इंच हमको ये लेना है घेरा, 2.25 इंच ही लेना है। एक पॉइंट भी ऊपर नीचे हुआ तो समझो फिर ये ज्यादा या कम हो जाएगा, कम हो जाए तो दोबारा भी काट सकते हैं, अगर ज्यादा हो गया तो फिर समझो खराब ही हो जाता है कपड़ा, फिर हमको चुन्नट डालनी पड़ेगी, वो वाली नहीं रहेगी बात। तो अभी देखिए इधर से हम नाप लेंगे इसको, ये हमारा 1.5 इंच पे आया है, और इधर से भी हम 1.5 इंच ही लेंगे, इधर भी 1.5 ही है, अब बीच में भी 1.5 इंच लेंगे, 1.5 इंच ऐसे, और इसकी गोलाई हम ऐसे कर देंगे, ये ऐसे और ये ऐसे इधर, ये देखिए ये पूरा हमारा 1.5 इंच का ये राउंड होना चाहिए, 1.5 इंच का। तो इसको हम एक बार चेक कर लेंगे, यहाँ रखेंगे, जैसे अम्ब्रेला स्कर्ट, अम्ब्रेला फ्रॉक जो भी हम काटते हैं वो भी ऐसे काटते हैं। तो ये देखिए ये हमारा हो गया है। अभी इसकी कटिंग हम कैसे करेंगे, ये जो निशान लगाया है इससे 2 पॉइंट ऊपर करेंगे सिलाई का मार्जिन लेते हुए, और इसकी कटिंग हम कर देंगे, ऐसे करेंगे ये कटिंग, ये देखिए सिलाई हमारी यहां से लगेगी। तो ये मैंने 2 पॉइंट ले लिया है पूरे में। अभी हम लेंगे बाजू की बेल की जो लेंथ लेनी है, वो ये लेंथ हमारी ये देखिए 4.25 इंच पे है ये, तो पूरी हम 4.25 पे ही लेंगे, क्योंकि इससे ज्यादा तो कपड़ा है नहीं हमारे पास, अगर हमारे पास ज्यादा कपड़ा है तो हम ज्यादा भी ले सकते हैं। सेम जैसे ये गोलाई लगाई है तो सेम इधर भी लगाएंगे हम ऐसे ही 4.25 इंच पे, और ये पूरी ऐसे गोलाई कर देंगे। इसमें थोड़ा ऊपर से इंची टेप को चलाएंगे, थोड़ा नीचे से, और ये कर देंगे ऐसे एकदम यहां से पूरा ये गोलाई कर लेंगे। और अब इसको हम कर देंगे कटिंग, बिल्कुल आसान है ये, कोई इतना ज्यादा काम नहीं है इसमें कि भाई समझ ना आए या और कुछ। फिर भी अगर समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आपको दोबारा समझाऊंगी। तो ये देखिए ये हमारी बेल इस तरह से तैयार हो गई है।